लेकिन कभी भी किसी स्कूल के फंक्शन में नहीं जाता था, क्योंकि वो सारे फंक्शन पैड होते थे, पैसा मांगते थे और मेरे पास पैसा नहीं होता था। समाज में परिवर्तन लाने के लिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम आपको ऐसे ही एक युवा सुरजीत सिंह से मिला रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स सिखा रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी आगे जाकर कुछ कामयाबी पाए। आइए जानते हैं सुरजीत सिंह से फर्स्ट से अस्त तक की कहानी, उनकी जीवन। मैं अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। मेरा सफ़र जो मैंने स्टार्टिंग किया था वो बहुत ही गरीबी में स्टार्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और बहुत ही सारे दुख तकलीफ़ों का मैंने सामना करके आगे अपनी चीज़ों को आगे तक ले गया, जहाँ तक मेरा सपना था। फोर्थ क्लास तक मैं दिल्ली में पढ़ा था, नॉर्मल स्कूल में, लेकिन दिल्ली के जो एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो कल्चर थी था, इंग्लिश मेरी अच्छी हो गई थी, बट यहाँ पे आने के बहुत इशू आए। जब हम मेरे पापा को वहाँ पे जॉब नहीं मिला तो लुधियाने में आए, तो हम लोग की पढ़ाई की बहुत दिक्कत आई। सबसे पहले दिक्कत आई कि उन्होंने कहा कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, पंजाबी मुझे आता नहीं था, पंजाबी ना आने के कारण कई स्कूलों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे पंजाबी आ गई। अब पंजाबी तो आ गई लेकिन वही फीस का प्रॉब्लम आ गई कि भाई फीस कहाँ से पे करें, तो किसी महीने फीस जाता था, कभी तीन तीन महीने नहीं जाता था, स्कूलों से घर भेजते थे, घर जाओ, घर भी जाएं तो क्या करें, घर पे पैसा हो तब ना देंगे, जब पैसा है ही तो कहाँ से दोगे। मैंने ये लोकल शॉप होते हैं वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया संडे के संडे, और जिस दिन छुट्टी होती थी, हॉलीडेज होते थे, उस दिन काम किया, उन्हीं से जो पैसे अर्न होते थे उसे फीस वगैरह पे करता था। जब गर्मियों की छुट्टी होती तो तीन महीने के लिए कहीं पर पैकिंग में, कहीं पर जूते भी सेल किए, बहुत ऐसे काम ऐसे कर करके मैंने किसी तरह टेंथ कर लिया। टेंथ तक तो अकल आ गई थी कि भाई अब जब तक तुम पढ़ोगे नहीं अच्छे से तुम्हारा आगे का भविष्य चेंज नहीं होगा। वहाँ से मैंने जब प्लस टू में मूव किया तो सारे सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश मीडियम में कर लिया। स्टार्टिंग से मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना था, कंप्यूटर के सपने देखता था कि मुझे कोई इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इंजीनियर के लिए पैसे नहीं थे, और मेरे को टीचर दसवीं में भी, नाइन्थ में भी और प्लस टू में भी बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करते थे कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे, मेरे पास पैसा होगा तब ना ट्यूशन पढ़ूं, लेकिन कभी भी किसी स्कूल के फंक्शन में नहीं जाता था, क्योंकि वो सारे फंक्शन पैड होते थे, पैसा मांगते थे, कभी भी किसी स्कूल वाले किसी भी टूरिस्ट जगह पर ले जाते हैं या कभी भी नहीं गया। एक बार की बात है कि एक बार मेरे को एक टीचर ने बोला कि भाई आप आओ, आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात, मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे स्कूल की मैं भी आ गया, स्कूल की बस में आके बैठ गया, वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के सामने मेरे को बोले कि लाओ पैसा दो, पर मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैं किसी तरह, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हुआ और मैं बस में से नीचे आ गया। प्लस टू क्लियर कर लिया तो मेरे पास पैसा ही नहीं था आगे पढ़ाई करने के लिए, मैं क्या, मैं किसी सरिया कंपनी में लग गया जहाँ पर मैं गर्म गर्म सरिया निकालता था, उसको मोड़ता था और 7500 रुपये मेरे को सैलरी देते थे, तो मैं फोकल पॉइंट में एक पोस्ट ऑफिस है उसी में पैसा जमा करता था, और इस तरह करके मैं एक साल में 70000 रुपये इकट्ठा किया। एक 70000 रुपये जब इकट्ठा किया, उस बीच में ना मैंने अपने लिए कोई जूते खरीदे, ना कोई कपड़े खरीदे, कुछ भी नहीं खरीदा, बस मुझे ये था कि मुझे कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मुझे वो पैसे इकट्ठे करने, और फरवरी में जाके मैंने कॉलेज में अपनी बात की। 70000 रुपये देने के बाद जब एडमिशन हुआ तो उन्होंने मुझे एक लोन लेटर दिया, वो लोन लेटर मैं अपने गांव पे ले गया, और गांव पे ले जाने के बाद वहां से मैंने एक लोन लिया, एजुकेशन लोन, इसी से मैंने पढ़ाई शुरू किया। तीन साल ख़त्म हो गया, डिग्री मिलना था, तो उन्होंने फिर से हमें बैंक वालों ने पेमेंट की मांग करने लगे, पेमेंट मैं पढ़ाई स्टार्ट करने लगा और साथ साथ में काम करने लगा। दिक्कत तो इतनी आई कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को आने जाने का भी किराया नहीं होता था, तो कई बार मैं मतलब किसी से पैसे उधार लेके, किसी अंकल आंटी से, और कभी मिलता नहीं था, तो ऐसे ही बहुत बार मैं लुधियाना स्टेशन से पैदल ही आया और पैदल ही गया। चंडीगढ़ में सर्विस इंफोटेक में काम किया, मैंने अपना पहले लोन का जो पेमेंट था वो उनको दिया रिफंड। मार्ग में यह है कि मेरी तरह और भी बहुत सारे बच्चे हैं समाज में जो कि पढ़ नहीं पाते, तो फिर मेरा दिन मैंने बहुत सोचा और मैं सोचा कि अब जॉब छोड़ के मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता हूँ और जो गरीब बच्चे हैं इनकी मदद करूँगा। 2014 से मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, और यहाँ पे एक ही क्वालिटी है कि मैं मतलब 2014 से लेकर अभी तक फीस नहीं बढ़ाया,
मेरे पास सिर्फ 3 बच्चे थे, धीरे धीरे इस मुकाम तक आज आपके पास, आज मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं समाज की यही सेवा कर रहा हूँ कि मैं आगे भी फीस नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने एक सिचुएशन देखा कि घर में आटा भी नहीं होता है। मैं कंप्यूटर की हर एक चीज़ सिखाता हूँ, बेसिक सिखाता हूँ, अकाउंट, टैली, वेब डिजाइनिंग, मतलब कंप्यूटर का कोई भी ऐसा कोर्स बच्चे ने करना मेरे पास आगे कर सकता है, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, प्लस साइबर सिक्योरिटी में मैंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत सारी ऐसी कंपनियों को बग निकाल के दिया है। और तो जो भी मेरा स्किल्स है वो मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के अंदर वो स्किल्स डालूँ, ताकि ये भी आगे जाके मेरी तरह अपना खुद का कुछ, मतलब अपने जीवन में आगे बढ़े।